हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, सिंपल है और बढ़िया है, अच्छा है। और ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? वैसे इसकी बेसिकली शुरुआत हो जाती है कहाँ से? 8th क्लास से। ठीक, पर इसकी अच्छी शुरुआत कहाँ से होगी? 9th क्लास से होगी, यानी कि यहाँ से होगी, आज से होगी, अभी से होगी। ठीक है, और ये क्लास 10th में भी हमें मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, 11th में थोड़ा सा मिलेगा, 12th में पढ़ने के लिए, मतलब हर क्लास में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलो बात करेंगे इक्वेशन। क्या बात करेंगे हम सबसे पहले? इक्वेशन, इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले ये सुनेंगे। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन कुछ नहीं होती है, बेसिकली इट इज समथिंग इक्वल टू समथिंग, बस बात खत्म। यानी समथिंग इक्वल टू समथिंग बट क्या, कुछ नहीं, बस इतना ही है। यानी कुछ कुछ के बराबर होगा, यानी कुछ चीजें होंगी वो किसी अलग चीज के बराबर होंगी। आपकी बात सर में बस उसी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि मैंने दिया एच इक्वल टू फाइव, जो एच है वो क्या होगा, फाइव होगा, यानी कि एच की वैल्यू अगर मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, फाइव मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एस प्लस वाई इक्वल टू दिया हमने 10। ठीक है, यानी कि जो एस और वाई है वो क्या है, एस और वाई को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो गया। ठीक है, यानी दो जे बराबर किसके, इसके बराबर, यानी कि सिंपल सी बात, एल एच एस बराबर किसके होगा, आर एच एस के, यानी कि एल एच एस इक्वल किसके होगा, आर एच एस के होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा नाम लिखोगे, बस हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इन वन वेरिएबल होता क्या है। बेटा ये टॉपिक ना हमने क्लास 8 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो लीनियर, देखो इक्वेशन मैंने समझा दिया। ठीक है, अब समझो वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल हमारा ए बी सी से लेकर कहाँ तक जाता है, एच वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हम सबको लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे कितना वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा अब लीनियर, लीनियर मतलब होता क्या है, लीनियर यानी कि जिसकी पावर, यानी कि किसी कोफिशिएंट, किसी वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अगली बात सर में, हाँ या ना, इतनी वक्त क्लियर हो गई। चलो तो दोबारा समझना, लीनियर मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर अगर वन है तो उसे बोलते हैं लीनियर। ठीक, एक क्वेश्चन हमने बता ही चुका हूँ मैं कि किस्म होती क्या है, वन वेरिएबल, यानी कि कोई इनमें से एक वेरिएबल होगा, या फिर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ई होगा, एफ होगा, वाई होगा, जेड होगा, यानी कि कोई एक इनमें से सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा एक टाइप में। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल हो जाएंगे, जैसे कि दो जे क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जे भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पर जे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल जे हो गया, एक वेरिएबल जे हो गया, पर यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। अगली बात समझे, चलो अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल मैंने बताया दिया कि वेरिएबल क्या होती है, ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से अगर कोई भी हम लोग अल्फाबेट ले लेंगे तो वो हमारे किसमें चले जाते हैं, वेरिएबल में चले जाते हैं। लीनियर मतलब होता है, लीनियर मतलब क्या होता है, वेरिएबल 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 की पावर वन, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर वेरिएबल की पावर वन है तो हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात समझना, यहाँ पे बात समझना, अगर हम लोग वेरिएबल की पावर अगर वन है और वो लीनियर है, और अगर हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या देगा, एक पॉइंट देगा, क्या देगा, हमें पॉइंट देगा। ठीक, और यहीं पे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे टू वेरिएबल में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। अभी बात समझ में आया ना, इतनी बात क्लियर होगी, चलो इतनी बात क्लियर होगी अच्छे से, तो और बढ़ते हैं आगे। ठीक, और दो इसकी आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी पहचान, इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास ए एस प्लस बी इक्वल टू
जीरो। अभिवशन में हाँ या ना? अरे हाँ या ना। चल जिसकी क्या है बेटा? आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ए दो, और यहाँ पे दो, ए एंड बी। ए एंड बी हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक, पहली बात। और ए हमारा नेचुरल इक्वल टू किसके होगा? जीरो को होगा। यानी कि ए हमारा जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा ए, अगर बाय द वे ए हमारा जीरो हो जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पे? देखो, अगर ए जीरो रहेगा तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा जीरो का। तो जीरो को मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा तो जीरो बचेगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये बनेगा ना, वैल्यू भी चलेगा हमारे। ठीक, जो वैल्यू है वही गायब हो जाएगा ना। तो किस बात का भैया? लीनियर इक्वेशन में वैल्यू बचेगा। आप समझे? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इसकी आइडेंटिटी होती है एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, एस प्लस बी वाई इक्वल टू, एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अरे हाँ या ना। दो एस और वाई हमारे क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। एस एंड वाई हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल है। नाम ही था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और यहाँ पे नाम क्या है? चैप्टर का टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या मिलेंगे? टू वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक, अच्छा। और देखो सी हमारे यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। आगे बात में सी हमारे यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक, अच्छा। और ए और बी, जो ए एंड बी है वो हमारे क्या है? कोफिशियंट है। अच्छा, जो लोग अभी पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि चैप्टर थर्ड और चैप्टर सेकंड, उन्हें ज्यादा समस्या नहीं होने वाली इसमें, क्योंकि चैप्टर थर्ड में मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया था। तो इसमें जो लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे तो उन्हें यहाँ दिक्कत नहीं होगी ग्राफ बनाने में। और सेकंड चैप्टर में मैंने कोफिशियंट और वेरिएबल समझाया था, चैप्टर सेकंड में कोफिशिएंट और वैल्यू समझाया था। तो जो लोगों ने चैप्टर सेकंड देखा हुआ है तो उन्हें कोफिशिएंट और वैल्यू बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो। तो वेरिएबल्स के बारे में एक बात यहाँ पे रह गई है, दो क्या है? ए एंड बी हमारे क्या होंगे यहाँ पे? रियल नंबर्स। ए एंड बी आर रियल नंबर्स, आपके पास में। और ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी हमारे क्या नहीं होंगे यहाँ पे? जीरो के बराबर नहीं होंगे। आगे क्वेश्चन में हाँ या ना? हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो गई तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो, तो हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें किसके अंदर हो, कुछ हम लोग क्या एग्जाम्पल देखेंगे, वो एग्जाम्पल चाहूंगा जरा ध्यान समझना। जैसे कि मैंने बोला ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसकी क्या है? आइडेंटिटी है। ये क्या है बेटा? हमारी इसकी पहचान है। आगे बात समझ में हाँ या ना? तो देखो हम लोग इसमें करते हैं ए इक्वल टू रख दिया हमने 1, ठीक है। बी इक्वल टू रख दिया 2, ठीक। और सी इक्वल टू कितना रख दिया हमने? 3 रख दिया। तो पुट अप कर दो वैल्यू, वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे एस में, 1 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे? एस में कराएंगे। क्या हो जाएगा? एस अकेला बचेगा प्लस 2y हो जाएगा यहाँ पे, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अगली क्वेश्चन में हाँ या ना, जो निकल के आएगा। ठीक, और जो हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक, और देखो और देखेंगे, अब इस बार रखेंगे हम लोग ए इक्वल टू 3, ठीक, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3s प्लस y और प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक, अगली बात समझ में इतनी इतनी बात क्लियर हो गई। चलो और देखेंगे, जैसे कि ए इक्वल टू रख दिया यहाँ पे 0, ठीक, बी इक्वल टू कितना रख दिया यहाँ पे? 3 रख दिया, ठीक, और सी इक्वल टू यहाँ पे कितना रख दिया? 2 रख दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा क्या? ए नहीं, 0 मल्टीप्लाई किससे होना? एस से होना ना, एस से प्लस 3y प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक, चलो, ये भी हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चाहो तो इसे एस से भी डाइड कर सकते हैं। कैसे? दो 0 का मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है, क्या बचेगा हमारे यहाँ पे? 3y प्लस के 2 इक्वल टू 0, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ी सी बात सिंपल सी है। देखो
यहाँ पे हमें एफ भी दिखाई दे रहा, वाई भी दिखाई दे रहा, दोनों वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है। जब दोनों वेरिएबल हमें शो कर रहे होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक। और यहाँ पे देखने जरा सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा है, वाई है, तो इस हम लोग क्या बोलेंगे, इस हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ एक वेरिएबल है। अगली बात हमें अगर देखो हम लोगों से जीरो को देखो, जीरो क्या था हमारा, जीरो हमारी एक जगह पर रखा गया, एक जगह पर क्या रखेगा, जीरो रखा गया, और जीरो का मल्टीप्लाई किससे हो गया, एफ से हो गया। जब एफ से जीरो को मल्टीप्लाई करेगा तो एफ गायब हो जाएगा, अगली बात यहाँ कि एफ चला जाएगा। अगर एफ हम लोग से शो नहीं कराएगा तो वो हमारे कैसे चला जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अगर हमने यहाँ पर शो करा दिया तो वो टू वेरिएबल में चला जाएगा। अगली बात हमें इतना क्लियर हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं, हम लोग ये बात बोल सकते हैं क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। कैसे, तो देखो ऐसे जैसे कि मैंने बोला के a is equal to 1, ठीक, b is equal to 0 और c is equal to 3, ठीक, रख दो। तो a is equal to 1 है तो क्या हो रहेगा, s plus 0 multiply by हो गया plus 3 हो गया is equal to 0, ठीक। ये तो हमारी क्या है, linear equation टू वेरिएबल। अगर इंटर हम 0 को multiply करा देंगे क्या बचेगा हमारा, s plus 3 is equal to 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, linear equation वन वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई ना कराएं, जैसे कि हमें लिख लीजिए मिल गया और हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई ना कराएं और इसे हम लोग फिर वापस से चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, एस प्लस जीरो मल्टीप्लाई वाई प्लस के थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगली क्वेश्चन में आया ना। तो हमने क्या बोला, कोई भी पीछे की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, के दो हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगली क्वेश्चन में चलो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर हमें मिल जाए a is equal to 0, b is equal to 0 और c is equal to 2, तो क्या होगा, तो देखो जरा, तो 0 तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो यानी कि f और y 0 रहेंगे, यानी क्या बचेगा, 2 is equal to 0, यानी कि 2 0 के बराबर होगा। ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, अगली क्वेश्चन में ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, 0 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि टू क्या कोई भी नंबर हो उसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, साथ में इसके वेरिएबल चाहिए होगा। आप भाई क्वेश्चन में आएंगे ना, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो वो स्टूडेंट्स अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 4.1 लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक। यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किसके ट्वेंस, यानी कि किसकी लुगनी है, पेन की कॉस्ट की, और हमें किस फॉर्म में राइट करके बताना है इस स्टेटमेंट को, किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक। हिंट दी गई है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू रुपीज वाई, ठीक। चलो स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा है, तो देखना जरा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितने रखेंगे हम लोग, एस रखेंगे, यानी कि एस रुपीज भी बोल सकते हैं, एस रुपीज, ठीक। और कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट क्या रखेंगे हम लोग, वाई रुपीज रखेंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग और हम काम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा काम, कि कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक इक्वल है किसके, डबल किसके है, यानी कि इक्वल है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के डबल, यानी कि ट्वेंस कॉस्ट ऑफ पेन के क्या है, ट्वेंस यानी कि डबल है, वो चीज़ हो गई। और कॉस्ट ऑफ पेन का वैल्यू पता कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू टू, और कॉस्ट ऑफ वाई क्या है हमारी, वाई हो गई, तो कॉस्ट ऑफ पेन हमारी क्या है, वाई हो गई, ठीक है। तो हमारे क्या निकल गया, एफ इज इक्वल टू टू वाई, ठीक। और चाहो चाहो तो इसे और चेंज कर सकते हैं क्या, और एक फॉर्म में और कर सकते हैं इसे क्या, कि टू एस को साइड भेज देंगे, टू एस को साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एस माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। जे वाला भी हमारा आंसर सही, यानी कि दोनों ही आंसर हमारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई सा भी ऐड कर दो दोनों के नंबर मिलेंगे, ठीक। इसमें आप क्लियर आ रहे हैं समय,
अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी कितने दो हो क्या बोला से, कोई एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है, पेन की जैसे डबल है, अगर पेन हमारा 1 रुपए का है, पेन अगर हमारा 1 रुपए का है तो जो नोटबुक होगी वो हमारी कितनी होगी, इसकी जैसे डबल होगी ना, यानी कि 2 रुपए की होगी। आपकी बात समझ में, बस इतनी सी बात उसने हमसे बोली थी, और इसे हमें कराना था किसमें, ये क्वेश्चन इन टू वैल्यूएशन सॉल्व करके दिखाना। ठीक, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बस इसके पार्ट जाना है, पार्ट शायद इसके 8 हैं, 8 पार्ट है, हाँ 8 पार्ट है इसके। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। यानी कि जो हमें नीचे लीनियर इक्वेशन दी गई है उन्हें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाकर दिखाना है जो इसका एक्चुअल फॉर्म है। ठीक है, और ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यू भी निकालनी है। ठीक, क्या निकालनी है, इनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो किस फॉर्म में लाना है, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक, चलो तो देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो ये है ऐसे, इसे क्या करेंगे, रीराइट करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2s प्लस 3y। ठीक, अब देखो 9.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार है, पूरे ऊपर बार नहीं है, 3 5 ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। किस के ऊपर बार है, सिर्फ ओनली 5 के ऊपर बार है। आगे क्वेश्चन में, तो 9.35 के ऊपर बार जो है इस पूरे को हम अंदर लाएंगे, एक पल के अंदर लाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव का है, यहाँ पर क्या करेगा निगेटिव हो जाएगा, तो 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, चलो जो हो गया, तो देखो ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया ना। चलो और दो हो जाएगा, तो इसे ऐड कर सकते हैं हम लोग किस फॉर्म में, देखें ध्यान से कंपेयर करा लेंगे इसे, तो 2s प्लस 3y। ठीक, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, पर यहाँ पर क्या है माइनस है ना, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इसी पॉजिटिव में ले लेंगे, इसी पॉजिटिव में ले लेंगे कैसे, यहाँ प्लस कर दिया और माइनस का 9.35 पर बार को हमने कर दिया अंदर कर दिया, शोल्डर यहाँ पे कर दिया 0 कर दिया। अब से लग रहा देखने में, अब से लग रहा ना, अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, इसी से करेंगे। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे क्या मिल जाएगी हमें, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, और सी इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस 9.35 के ऊपर बार, बेटा पूरा आएगा विद साइन पूरा लेंगे। अगली बार समझ में, चलो चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट देखेंगे, इससे रीराइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे टू टर्म अंदर ही है। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, अब से कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कैसे कराएंगे, हमेशा सीधे कराएंगे हर बार। ठीक है, तो देखो ए इक्वल टू में क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक, और एक काम करो, इससे पहले ऐसे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है ना, तो थोड़ा दिक्कत दिखता है, तो इसे अच्छे से करेंगे, तो ए प्लस और माइनस के बाई अपॉन 5। ठीक, बाई अपॉन 5 आगे बस में, चलो बाई अपॉन 5 को ऐसे नहीं करना, तो ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, के माइनस के बाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5। ठीक, जो अच्छा लग रहा है देखने में, प्लस माइनस के 10 इक्वल टू 0, जो क्लियर हो रहा देखने में, समझने में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा। ठीक, चलो यानी कि बाई का मल्टीप्लाई किससे है, बाई का मल्टीप्लाई किससे है, माइनस के 1/5 से, बाई से नहीं है, दो ऐसा है, बाई से मल्टीप्लाई किसका है, माइनस के 1/5 से है। आगे वसर में, हाँ या ना, इतनी बार क्लियर हो गई, अब मैं सटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो तो कंपेयर कराएंगे, तो ए से कंपेयर करते हैं, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी से जब कंपेयर कराएंगे, तो ए इक्वल टू में कितना मिलेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं कॉल कर लेता हूँ उसे, तो ए इक्वल टू में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, बी इक्वल टू में कितना मिलेगा, माइनस के 1/5 मिलेंगे, क्या मिलेंगे, माइनस के 1/5 मिलेंगे आगे वास्तव में, और सी इक्वल टू में कितना मिल जाएगा, माइनस के 10 मिल जाएंगे आगे वास्तव में। चलो थर्ड वाला केस देखेंगे, थर्ड वाले केस में कुछ निकलना है, इसे दोबारा राइट करेंगे हम लोग, रीराइट करेंगे, तो रीराइट में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2s प्लस के 3y, और फिर जो यहाँ पर बाहर है पॉजिटिव का अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू से इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में, इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो देखो कंपेयर करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे, तो कंपेयर कराना आ रहा होगा ना, तो ए इक्वल टू कितना रहेगा, विद साइन के लेंगे तो इक्वल टू -2, और बी इक्वल टू कितना रहेगा, 3 हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना रहेगा, -6 हो जाएंगे आगे क्वेश्चन में, हाँ या ना। चलो अब यहाँ पे देखेंगे एफ इक्वल टू 3y, एस इक्वल टू 3y, तो देखो एस को मूव नहीं कराएंगे, 3y को मूव कराएंगे,
एस को मूव नहीं कराएंगे, थ्री बाइक को मूव कराएंगे आगे बस में, यानी कि एस को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे, थ्री बाइक को हिलाएंगे, क्योंकि देखो थ्री जो बाइक होता है ना, बाइक वो किसके पास जाता है, बी के पास है ना, ना कि एस है। अगर एस जो पहले रहेगा वो तो अपनी जगह पे बैठ गए आपके, अब किसी आपके बैठना है, थ्री बाइक को बैठना है ना, तो एस को थ्री बाइक को चेंज करेंगे, किसे करेंगे, थ्री बाइक को, तो कर देंगे इसे चेंज, क्या रहेगा एस है और यहाँ पे पॉजिटिव क्या है माइनस पर रहेगा थ्री बाइक, ठीक पॉजिटिव क्या यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव का हो रहेगा थ्री बाइक हो जाएगा, ठीक आगे बस रहे और प्लस जीरो में लेट कर लेंगे यहाँ पे फुल जीरो हो जाएगा। ठीक जब हमारे पास कोई कोफिशिएंट अगर नहीं होता है, यानी कोई वेरिएबल या फिर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो वहाँ पे जीरो लेट कर देते हैं आगे बस रहे, यानी कि जी काम कर सकते हैं यहाँ पे रीराइट कर दिया रीराइट। ठीक चलो कंपेयर करा लो, कंपेयर कराएंगे किससे, इसी से कंपेयर कराएंगे हमको दिखा हो जाएगा हमारा, तो ए इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के थ्री हो जाएंगे और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगली बार सर में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, चारों पार्ट क्लियर हो गए, चारों पार्ट क्लियर हो गए, तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन फिर करेंगे हम उसके नेक्स्ट चार पार्ट। चलो बच्चों तो करेंगे इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट कंपेयर कराना है ना हमें, तो किससे कंपेयर कराना है, तो ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से हमें कंपेयर कराना है। ठीक चलो इन सबको कंपेयर कराना है, तो पहले से रीराइट करेंगे, क्या करेंगे रीराइट। ठीक तो टू एस अपनी जगह पे रहेगा फाइव बाई, अभी हाल जस्ट मैंने फोर्थ वाले पार्ट में बताया कि किसे किसे भेजेंगे दूसरे के पास, किसे भेजेंगे एस के पास, बाई को भेजेंगे क्योंकि एस अपनी जगह पहले ही जाकर बैठ चुका है। ठीक है तो जब इसे भेजेंगे तो निगेटिव का है वहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव का रहेगा, तो प्लस के फाइव बाई। ठीक अच्छा अब हमारे पास सी नहीं है, जो नंबर हमारे पास नहीं है वो तो सोचेंगे वो क्यों नहीं है, थोड़ा सेलेक्ट करेंगे भाई जीरो होगा, जीरो होगा तभी तो वो नहीं है ना, क्योंकि जीरो होगा और जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो जीरो तो गायब हो जाएगा ना, समझना मेरा बात को। अगर यहाँ पर टू लिखा है और हमने कहा टू में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू तो बचेगा जीरो हमारा गायब हो गया। हाँ अगर टू के साथ वन होता तो वो थ्री में चेंज हो जाता, पर ऐसा तो होना नहीं है यहाँ पे, तो टू के साथ जीरो था तो वो टू में ही रहा। ठीक आगे वहाँ समझ सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, कैसा है कि टू एस प्लस फाइव वाई प्लस की जीरो। ठीक इन सब में अगर हमने जीरो को ऐड किया तो जीरो हमारा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा टू एस प्लस फाइव वाई, बस इतना तो बचेगा आगे बस में, इसमें आप क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम जीरो ले लेंगे इक्वल टू जीरो। ठीक जी हमारा क्या होगा रिजल्ट हो गया, अब कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल टू क्या रहेगा टू हो जाएगा और बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा और सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आगे बस में। चलो सिक्स्थ वाला पार्ट देखेंगे, लिखा हुआ है थ्री एस प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक अब यहाँ पे हमारे पास करेंगे बाई नहीं है, जब बाई नहीं है तो बाई को सोचेंगे बाई क्यों नहीं होगा, बाई क्यों नहीं है, बाई इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बाई ने किसका मल्टीप्लाई कर दिया होगा जीरो का, और किसी भी नंबर में अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो में चेंज हो जाता है। ठीक अब जीरो में चेंज हो गया और थ्री एस प्लस टू में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे क्या बचेगा हमारा थ्री एस प्लस टू बचेगा, इस वजह से जीरो हमारा बाई हो गया। इतना क्लियर हो गई ना, इतना क्लियर हो गई और नहीं हुई तो आसान में आ जाएगा, आसान में आ जाएगा कैसे आ जाएगा ना, इसे क्या करेंगे रीराइट तो 3s अब किसे ऐड करना है हमको बाई को ऐड करना है कैसे बी वाई को, तो बी हमारा क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा और जीरो हमने किसको मल्टीप्लाई करा दिया बाई को करा दिया। ठीक प्लस के टू इक्वल टू जीरो, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3s और जीरो को मल्टीप्लाई बाई में कराएंगे तो जीरो बचेगा प्लस के टू बचेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा और 3s और दो 3s में अगर हम टू को 3s जो हो गया हमारा जीरो और टू कितना रहेगा टू ही बचेगा इक्वल टू जीरो, जी चीज उसने हमें यहाँ पे दी हुई है अगली भाषा में जी कैसे गायब हो गया, अगली भाषा में जी कैसे गायब हो गया, तो देखो यहाँ पे मैंने जीरो को तो करा दिया। अरे अभी मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जब मैंने किया तो वहाँ पे भी तो बताया था ना मैंने, चलो अब कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे थ्री हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा और सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, इतना क्लियर हो गई। चलो अब देखेंगे सेवन पार्ट, सिक्स्थ वाला पार्ट होगा सेवन वाला पार्ट देखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास करेंगे ए नहीं है ए एस नहीं है तो लेट कर लेंगे ए एस को। ठीक है तो ए हमारे पास क्यों नहीं होगा क्योंकि ए में जीरो ए एस हमारे पास क्यों नहीं है क्योंकि ए की जगह पे क्या होगा जीरो होगा और एस में मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो जीरो जीरो मल्टीप्लाई किससे हो गया होगा एस से हो गया होगा। ठीक है प्लस प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई और प्लस माइनस के टू इक्वल टू जीरो, ये मेरे को सही तरीका है लिखने का आगे वर्ष में। चलो अगर दो वन का मल्टीप्लाई बाई में कराएंगे तो बाई अकेले बचेगा तो यहाँ पर उसने बाई लिख दिया था पहले भी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे वर्ष में, जो मकर से वन कहाँ से आ गया, अरे भाई अगर आपने मेरे तीनों चैप्टर पहले के देखे हुए तो ये सब चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सब क्लियर होंगी। ठीक है कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और सी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के टू हो जाएंगे। ठीक, आपके पास में सेवन वाला पार्ट भी क्लियर होगा। चलो एट्थ वाला पार्ट देखेंगे। एट्थ वाला पार्ट, फाइव इक्वल टू टू एस, फाइव इक्वल टू टू एस, चाहे तो हम लोग फाइव को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग टू एस को भी यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं। ठीक, दोनों ही केस हो सकते हैं। ठीक है, अब पता नहीं बुक में किसका आंसर मिले, तो चलो दोनों केस कर लेंगे हम लोग। ठीक, दोनों केस करेंगे, कौन कौन से दो, पहले सबसे पहला केस देखेंगे हम लोग। हमें यहाँ पे कर देता हूँ केस, केस नहीं मेथड, मेथड लिखूंगा, मेथड, मेथड फर्स्ट। ठीक, पहला मेथड देखो, पहले मेथड में हम लोग फाइव को यहाँ पे ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू एस माइनस के फाइव इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारा, वाई भी तो रह गया ना, वाई भी तो आएगा ना, तो जीरो मल्टीप्लाई वाई। ठीक, और माइनस फाइव मैंने मेथड कर दिया, यहाँ पे गलत लगा दिया। अब कंपेयर करा दो, तो ए इक्वल टू क्या रहेगा, टू हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के फाइव हो जाएंगे। अगली बात में ये हमारा क्या है, फाइव, सी इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस के फाइव हो जाएगा। ठीक, अब देखो मेथड टू, मेथड सेकेंड, दूसरा मेथड देखो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि टू बाई को साइड ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, टू बाई को साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जरा लिखने जरा ध्यान से, माइनस के टू एस हो जाएंगे, दो प्लस के टू एस साइड क्या हो जाएंगे, माइनस के टू एस हो जाएंगे, और प्लस के जीरो मल्टीप्लाई बाई प्लस के फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक, कंपेयर करा दो, कंपेयर करा लेंगे तो ए इक्वल टू रहेगा माइनस के टू, और बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो, अच्छे से राइट कर दो यहाँ से, बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, फाइव। ठीक, दोनों ही सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों में ही नंबर मिलेंगे। चाहो तो बोर्ड एग्जाम में कोई समय कर सकते हो, अपने एग्जाम में कोई समय करके आ जाना, दोनों में ही नंबर मिलेंगे। बस मैंने दोनों सर इसे बता दिए कि पता चला आंसर में जला आंसर हो जला ना हो, और मैंने जला करा दिया, तो आपको सर जी कहाँ से कैसे क्या हो गया, तो दोनों ही मैंने करा दिए, दोनों ही चेक कर लेना, जो सा हो वो कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसका नाम क्या होगा, 4.2। ठीक।